से बोलते हैं पूछो बोलो। अभी का जो हमने गोल सेट कर दिया है वो है 5 लाख सब्सक्राइबर। ये जो मोटू है ना, पूछो बोल रहे यार पूछो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 5 लाख कर दो जी, कर दो। मुझे थार लेनी ही लेनी है। 55,000 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। ऐसा कोई मेंटल केस नहीं होता है जो हर टाइम हंसता ही रहता है। ओ, ओ, ओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली पूनम दीदी का छोटू है, वो अंदर सोया हुआ है, इसलिए मैं आस्ते आस्ते बात कर रहा हूँ और मेरी तबीयत भी कोई सही नहीं है। बाहर जाके बात कर लेते हैं। कल सुबह मैं जल्दी उठ के नहाया, ठंडे पानी से नहाया और फिर मैं बाइक पे ना निकल गया ऑफ रोड से। पहले मुझे लगता है हवा लग गई है, काम तो मुझे काफी ज्यादा तेज हो ही गया है, बट बुखार भी है और ना पूरी बॉडी ऐसे ना टूट रही है। रात को भी मैं यहाँ मामू के घर ही था। दिक्कत ये है अगर मैं पूरा दिन यहाँ पे रेस्ट भी करता रहूँ तो मेरे को लग रहा है कि पूरा दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, काम शाम करते रहो तो ठीक रहता है। यहाँ से जाऊंगा, मेडिसिन लूंगा और उसके बाद गाड़ियां दोनों वॉश करवानी है, वॉश करवाऊंगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने ना आपको 6 लाख सब्सक्राइबर्स का जो गोल दिया था, मैं सोच रहा हूँ कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स है ना जो, वो शायद बड़ा गोल है। गोल को हम जो है कम कर देते हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर्स का जो गोल है हम वो रखते हैं। मुझे थार चाहिए चाहिए बस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। निकलते हैं यहाँ से और जो भी सीन है आज के वो आपको दिखाते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल क्या है कि गाड़ी के पास आ चुके हैं और रोहन भाई भी आ चुके हैं। रोहन भाई क्या चल है, गाड़ी को देख के कुछ बोलोगे? रोहन भाई कह रहे गाड़ी है स्टोर है, टॉवल शॉवल आधा मैं निकाल भी रहा हूँ, आधा तब का पड़ा रहा है। चलो निकालते हैं फटाफट और गाड़ी ये ले जाएंगे और वॉश करके। मैं आया यूट्यूब से पहले और कोविड से भी पहले जब मैं कॉलेज में था तो ना मैं बीमार हो ही जाया करता था। जब भी मैं बीमार होता था तो मैं ना घर चला जाता था, तो घर जाके कोई मेडिसिन कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही ठीक हो जाता था। बस वही चीज मेरे को ध्यान में आई, सोच रहा हूँ कि मैं ना घर ही चला जाऊंगा। थार की बुकिंग का भी है, काम शाम जो भी है वो सारे चल ही रहे हैं। अभी जिप्सी क्या है कि मैकेनिकल काम तो करवा दिया जिप्सी का, वो लिफ्ट किट के पटों का सीन है, फिर उसके बाद अब उसका बॉडी वर्क भी करना है, रैप करना है, क्या करना है करना तो पड़ेगा ही। मैं बीमार हो गया तो मैं बोलूँ आप डिले करते तो वो पॉइंट नहीं है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। ये आपको आगे दानिश भैया की जिप्सी दिख रही है, तो ये भाई भी अपने नोन ही है। इन्होंने एक बार मुझे कॉल किया भी था कि भैया कभी ऑफ रोड पे जाना होगा तो मैं भूल ही जाता हूँ, खुद से इन्वाइट करना मैं सबको भूल ही जाता हूँ। हाँ पर अगर सैटरडे को कोई मुझे कॉल कर ले और हमारा ऑफ रोड का प्लान हो तो फिर तो हम बुला ही सकते हैं। अभी ये भाई शायद आज वाली वीडियो पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि बाइक पे मुझे लगता है मुझे पहचानेंगे। तो चलो पता नहीं मैं इस टाइम पे पहली बार निकला हूँ या क्या चक्कर है, आज हर जगह इतनी भीड़ क्यों है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2। तो कल क्या है कि तबीयत सही नहीं थी तो फिर मैंने कल ज्यादा शूट नहीं किया, निकला था लेकिन फिर मैं आ गया था वापस घर भी अपने मामू के घर पे ही हूँ। आज तबीयत कल से बहुत ज्यादा बेटर है, बस गले में थोड़ी सी खराश है, ये फीवर बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, पेन वेन भी नहीं है बॉडी में। आज के क्या प्लान्स हैं उसके लिए निकलते हैं और यहाँ पे हैं हमारी मामी जी। हाँ जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, ठंड ज्यादा तो नहीं है? ठीक ही है। तो मामी मेरे को कह रही कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी लगाने, कह रहे हैं मेरे को भी ले चलो चलो ना। मम्मी कैमरे के सामने आके सीरियस हो गई हैं, अदरवाइज पहले काफी नहीं, मैं सीरियस नहीं हुई मगर मैं काम करके आराम करना चाहती हूँ। अच्छा तो चलिए फिलहाल फटाफट निकलते हैं यहाँ से और जो भी आज के सीन्स हैं वो आपको दिखाते हैं, सो लेट्स गो। फिलहाल आज के प्लान्स हैं कुछ ऐसे, जिस दिन मैंने ये बाइक ली थी ना उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिला था, उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैंने कहा यार एक दिन ना राइड पे चलेंगे फिर वीडियो भी बनाएंगे और हम दोनों राइड पे जाएंगे और तेरे को ना बाइक में चलाने के लिए भी दूंगा, क्योंकि उसका बड़ा मन था, वो कह रही की बाइक चलानी है। लेकिन भाई ठंड इतनी ज्यादा है ना, मतलब मेरे को लग रहा है जो मैं बीमार हुआ ना वो भी इस बाइक की वजह से ही हुआ। कल रात को मम्मी का कॉल भी है, मम्मी भी कह रही चुपचाप कार आ, मोटरसाइकिल कार छोड़िया नहीं है क्योंकि तो मोटरसाइकिल चलाता रहो ना तो ओदी वजह के ना बीमार है। बाइक पे तो नहीं निकलना लेकिन निकलना तो हमने है ही है, तो अभी देखता हूँ मैं रूम पे जा रहा हूँ तो इशू लेके निकलूंगा, एक चीज है दिमाग में, तो वीडियो में आप बने रहो तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज मेरे दिमाग में आ रही है। पहले तो रूम पे पहुंचते हैं, इशू उठाते हैं और ये बीच रोड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। इन बच्चों को ठंड नहीं लगती है? आप लोगों को ठंड नहीं लगती? क्या बात है, सुबह सुबह वाह जी वाह, चमचमा रही एकदम। इसरू रोहन भाई ने कल गाड़ी इधर छोड़ दी थी, फिलहाल बाइक को लगा देते हैं। स्मॉल टाउन राइडर आ चुके हैं अपनी आइसुज़ू में, तो आज यही लेके जाने वाला हूँ। मेरे को लगता है काफी दिनों बाद आपने मेरे को उस जैकेट के अलावा और किसी चीज में देखा होगा। से कल के दिन में मैंने क्या है आइसुज़ू नहीं चलाई, एक दिन मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए। लगता है भाई को इस गाड़ी के साथ लव हो गया है। निकल तो गया हूँ, इसके टायर का वो मसला चेक करना पड़ेगा। रोहन भाई को कल मैंने बोला था, कल भी हवा उसकी टायर की निकल ही गई थी, आज देखते हैं। हाँ आज बिल्कुल प्रॉपर हवा है। तो गाइस यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाइक पे गए दो लोग तो मैं वही दिखाने वाला था आपको, लेकिन वो इतने तेज थे कि वो हमें पकड़ाई में आए नहीं। मैं बता रहा था कि हमने भी ऐसे ही बाइक पे राइड करते हुए जाना था लेकिन हम दोनों को जुकाम हो गया। आपको भी जुकाम है? हाँ। पर तेरी बात तो ठीक लग रही है मेरे को। आपकी भी ठीक है? गाइस मेरी थकान ठीक है, मैं तो बीमार हूँ।
तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं सिद्रा, लेकिन एक मसला है अभी क्या है कि मुझे एक जगह गाड़ी रुका के ना एक थंबनेल क्लिक करना था, लेकिन आजकल अगर आपको पता है आप फेसबुक वगैरह पे एक्टिव हो तो यहाँ ना कोई मसला बड़ा खराब है, कह रहे हैं कि वो ना गाड़ियां लूटने वाला सिस्टम चला हुआ है। और रात को तो हो ही रहा था, अभी एक ही मैंने लेटर सुना कि दिन दिहाड़े भी एक स्विफ्ट कार थी तो उसमें से भी बंदे को लूट लिया उन्होंने। नहीं तो मैं पब्लिक प्लेस पे रुकना कम ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन अभी मैं एक ऐसी जगह पे रुकूंगा जहाँ पे थोड़ी सी जनता हो, भीड़ हो, और हम एक फोटो ले लें थंबनेल, और आज की कहानी का मुद्दा वो भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। बंद कर दिया रिकॉर्ड किया? तो गाइस ऐसा है कि देखो जिस बंदे ने क्या है कि कैमरे में आना ही ना हो तो उसी को कैमरा पकड़ाया जाए तो बेटर है। मैं ठीक आ रहा हूँ ना, उधर उधर करना यार। अरे यार किस किस को सिखाऊं मैं कैसे कैमरा पकड़ना है, मैं सिखाता ही खत्म हो जाऊंगा और ये सीखने से नहीं रहे। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी तेरे से। पूछो क्या? ऐसे बोलते हैं पूछो? बोलो पूछो, बोलना यार पूछो। कोई थार पसंद है? हाँ। तो थार ले ले। हेलो। इसको क्या करेंगे फिर? क्या करना, आपकी मर्जी। बेचेंगे रखे बता। मुझे नहीं पता। नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं जो तू बोलेगी। मुझे नहीं पता। ये अच्छी है कि थार अच्छी है? दोनों अच्छी हैं। तूने मतलब वीडियोस देखी है? कौन सी वीडियोस? अच्छा मैं 600 के पे थार लेने वाला हूँ, ये पूछ रहे हैं कौन सी वीडियोस। मैंने आपको बोला था कि जो थार का गोल है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यार 6 लाख होने में क्या पता 2-3 महीने लग जाए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अभी का जो हमने गोल सेट कर दिया है वो है 5 लाख सब्सक्राइबर। 5 लाख मैंने इसलिए किए हैं ताकि जैन खत्म होने से पहले पहले हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए चाहे किसी भी हालत में, और जिस दिन 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना उसके अगले दिन आ जाएगी थार। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 5 लाख कर दो जी, कर दो 5 लाख। देखो अब तो इन्होंने भी बोल दिया 5 लाख कर दो। खाना कुछ चलो। ये जो मोटू है ना, को अगर ये चेहरा कभी दिखाने के लिए बोले भी ना तो भी मैं ना दिखाऊं। देखो उसमें रीजंस है कुछ। रीजंस क्या है? पहला रीजन तो ये आ जाता है कि हम दोनों की अपनी अलग अलग लाइफ है, कि बहुत से लोग ना बहुत सारी चीजें भी सोचते हैं हमारे रिलेशन को लेके, लाइक हम फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या मे बी या एक वो मेंटेलिटी भी है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे किसी भी चीज पे कुछ नहीं बोलना है, बट हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शी इज माय ओनली फीमेल फ्रेंड। ये ना व्लॉग्स में उतनी हैपनिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम लोग साथ में व्लॉग किया करें रेगुलरली, मतलब हफ्ते में एक दो व्लॉग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल आ चुका है हमारा खाने का सामान। ये अच्छा इनका मस्का बन ऐसा है, ये चाय नैपकिन उठाना पर थलेटी पे नहीं, मतलब मैं क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरे बैग को पीछे तो रख दे, तब से गोद में रखा हुआ है। नहीं मर्जी, क्या करम है, कोई इधर रखो तो आराम से बोलना, इधर रखो, क्या बोलो, इधर रख दो आराम से, इधर रखो, दाढ़ी घुसी मार आई। गाइस क्या करूँ मैं, जीवन में आगे दुख खत्म नहीं हो रहे, इसको भी मेरे साथ ही करना बदतमीजी। नहीं मैं कहीं जाके ना मस्का बन खाता था तो मैंने वही मस्का बन यहाँ बोला, अब पता नहीं ये कौन सा मस्का बन है, वही है या अलग है, शक्ल ही मेरे को कोई पसंद नहीं आ रही है। खाना तो पड़ेगा, एक ही मंगाया, अच्छा हुआ दो नहीं मंगाए। खाते हैं, निकलते हैं, चाय पी सकते हैं क्योंकि जो है दोनों को जुकाम खांसी है, तो फिर चाय ठीक रही, सोडा साडा माड़ा है ना, कोल्ड ड्रिंक पिया तो खराब लगेगा ना। ऊपर वाले ने आपको ना वो दिए बोलने के लिए, जैसा कोई मेंटल केस नहीं होता है जो हर टाइम हंसता ही रहता है। तो गाइस मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये बच्चे सनरूफ से बाहर निकले हैं, इनको कितनी हवा लगेगी, मतलब कि तेरा क्या बोलना है इस पे? है उनकी मर्जी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, उनकी मर्जी, उनके पेरेंट्स की मर्जी। पेरेंट्स गाइस सारे बच्चे पाल के हम टिप्पणी करने वाले कौन है, मेरे को ज्ञान देने की आदत पड़ गई है। उनकी मर्जी है बच्चे बाहर निकले, पेरेंट्स की मर्जी है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्या होगा बीमार हो गए दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। इस टाइम 80 से ऊपर स्पीड पे जा रहा हूँ और गाड़ी पकड़ाई में नहीं आ रही है। बाय बाय गाइस। आज का शो इनके साथ तो यहीं खत्म हो रहा है, अभी इनको कर देंगे ड्रॉप यहाँ पे। यहाँ लग चुका है बहुत ही भयंकर जाम, देख रहे हो ना आगे अल्टो है वो टर्न काट रही है, लेकिन जैसे मेरी इसुजू है तो मैं जाम में मुझे कितनी भी देर खड़े रहना पड़े लेकिन मैं इसुजू से टर्न कभी नहीं काटूंगा क्योंकि टर्न काटने में ये फंस जाएगी क्योंकि ये इतनी बड़ी है। गाइस बसड़ी मच रखी है हर तरफ। पहुंच चुके हैं घर और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। तो आज का दिन बड़ा ही पर्सनल टाइप का व्लॉग था, कल मैं बीमार था, आज थोड़ा सा ठीक हुआ तो शायद ये वीडियो डालने का उतना वो भी नहीं है, लेकिन फिर एक दिन का गैप आ जाएगा, आज लाइव आना पड़ेगा, तो इसलिए जो भी है चाहे छोटा भी होगा तो डाल तो मैं दूंगा। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इस व्लॉग में जरूर हुई है, वो ये कि मैंने अपना जो गोल है वो 600 से 500 के कर दिया है। 600 से 500 के करने का यही रीजन है, मुझे थार लेनी ही लेनी है। 55,000 सब्सक्राइबर्स रहते हैं, 55,000 तो कुछ भी नहीं है मेरे को लग रहा है, अगर आप लोग अच्छे से शेयर वेयर करो। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।